नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका हॉरिजॉन एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो इस वीडियो में देखना है डिफरेंस बिटवीन एंगल गेजेस एंड स्लिप गेजेस। इसके पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किए थे उसमें आपने देखा था कि मैंने एंगल गेजेस का भी डिटेल वीडियो बनाया और सेम स्लिप गेजेस का भी वीडियो बनाया है। अगर आपको डिफरेंस समझ के लेना है तो आपको पहले वो दो वीडियो जो है वो देखने पड़ेंगे। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ऊपर आई बटन में दे दूंगा, नहीं तो आप फिर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर ये वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और आप कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट आप पॉजिटिव भी करो, नेगेटिव भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे समझ में आएगा कि वीडियोस में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। ठीक है, तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। कि जैसे आप देख रहे हो मैंने यहाँ पर क्या सीरियल नंबर लिखा है, बाद में फिर यहाँ पर पैरामीटर है एंगल गेजेस एंड स्लिप गेजेस लिखा है यहाँ पर। तो पहला जो मैंने यहाँ पर पॉइंट लिखा है, पहले पॉइंट में क्या लिखा है कि यूज़ कि एंगल गेजेस का यूज़ कहाँ होता है और स्लिप गेजेस का यूज़ कहाँ होता है। एंगल गेजेस का यूज़ जो है वो किसी जॉब को अगर आपको एंगल में सेट करना है वहाँ पे होगा। ठीक है, और टू सेट ए जॉब और टू मेजर ए एंगल, ठीक है। तो यूज़ कैसा है इसका, देखो किसी जॉब को अगर आपको सेट करना है किसी एंगल में तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं एंगल गेजेस का। एंड फिर मेजर एंगल, किसी जॉब का अननोन जॉब का अगर आपको एंगल मेजर करना है उसके लिए भी इसका यूज़ होता है। फिर स्लिप गेज का यूज़ कहाँ पे होता है, इट इज़ यूज एज ए हाइट स्टैंडर्ड। आपको किसी जॉब का लीनियर डायमेंशन मेजर करना है तो ये क्या कर सकते हैं आप, हाइट स्टैंडर्ड बोल के यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद यूज्ड विथ, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका यूज्ड विथ, इसका एंगल गेजेस का यूज़ किसके साथ होता है। ठीक है, इसका यूज़ होता है ऑटो किलोमीटर के साथ। ऑटो किलोमीटर का जो पॉइंट है वो हुआ नहीं है। ठीक है, एक तो यूज़ ऑटोमेटिक किलोमीटर के साथ, नहीं तो फिर बेवल प्रोटेक्टर के साथ। बेवल प्रोटेक्टर का वीडियो ऑलरेडी हो चुका है, वो आप देख सकते हो। फिर इसका जो यूज़ है स्लिप गेजेस का यूज़ कहाँ होता है, स्लिप गेज का यूज़ आपका यूज्ड विथ साइन बार। आप साइन बार के साथ इसका यूज़ करके क्या कर सकते हो, किसी अननोन जॉब का एंगल फाइंड आउट कर सकते हो। विद द साइन बार आप क्या कर सकते हो, एंगल फाइंड आउट कर सकते हो। फिर उसके बाद है नेक्स्ट है डायमेंशन। इसके जो डायमेंशंस है, डायमेंशंस क्या होते हैं, इसका डायमेंशन होता है 75 × 16 mm। ठीक, mm में होते हैं ये एंगल गेजेस। और इनका जो डायमेंशन है वो क्या है, 30 × 10 mm। और इसका थिकनेस क्या रहेगा, थिकनेस इज़ डिफरेंट। मतलब जैसे 1 mm की स्लिप रहेगी उसका थिकनेस 1 mm रहेगा, अगर 2 mm की स्लिप है तो उसका थिकनेस 2 mm रहेगा, लेकिन उसका डायमेंशन क्या रहेगा, 30 × 10 रहेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है ग्रेड अवेलेबल। ग्रेड अवेलेबल में क्या है कि एंगल गेजेस सिंगल ग्रेड में अवेलेबल है, इसका कोई ग्रेड्स नहीं है। ठीक है, लेकिन आपके जो स्लिप गेजेस है वो 5 डिफरेंट ग्रेड्स में क्या होते हैं, अवेलेबल है। 5 डिफरेंट ग्रेड्स कौन कौन से हैं, ग्रेड सेकंड, ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड ज़ीरो, ग्रेड 00 एंड अनदर वन इज़ कैलिब्रेशन ग्रेड। उसके बाद है सेट। सेट क्या क्या है, एंगल गेज का सेट जो है वो क्या है, एक तो एंगल गेज के बॉक्स में मैंने आपने देखा होगा कि एंगल गेजेस के बॉक्स में अलग अलग डिग्री, मिनट और सेकंड का अलग अलग ये रहते हैं, ब्लॉक्स रहते हैं। लेकिन वो क्या होते हैं, एक तो 12 नंबर्स हो गए और उसके साथ क्या होता है, कम्प्लीटली एक स्क्वायर बॉक्स रहता है हलो। ठीक है, वो स्क्वायर ब्लॉक रहेगा, नहीं तो फिर क्या हो सकता है कि आपके 13 एंगल ब्लॉक्स होंगे, उसके साथ क्या होगा, एक स्क्वायर ब्लॉक होगा। ठीक, और इसका क्या है, M45, M87 ऐसे अलग अलग सेट रहेंगे, मतलब बॉक्स रहेगा उसमें। M45 मतलब क्या, अगर टोटल पीसेस आपने काउंट किए स्लिप गेजेस के वो कितने रहेंगे, 45 रहेंगे, नहीं तो फिर M87 बोला तो 87 रहेंगे। फिर इसके बाद ये यहाँ पे लिखा है आपने, एक देख नहीं सकेंगे आप, तो क्या है इसमें और एक डिफरेंस है कि आप जो एंगल गेजेस है इसमें क्या कर सकते हो, किसी एंगल गेज को कंसिडर कर लो, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। अभी ये क्या है, यहाँ पे 9 डिग्री लिखा है। ठीक है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। फिर 9 डिग्री में क्या कर सकते हो आप, एक किसी 3 डिग्री का आपको स्लिप ऐड करना है तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे 3 डिग्री ऐड कर सकते हो, तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा आपका,
12 डिग्री हो जाएगा। और सेम इसका आप सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हो, कंसिडर करो ये आपका 9 डिग्री है, इसको आपको क्या करना है 3 डिग्री क्या करना है माइनस करना है। यहाँ पे ऐसे एक वी मार्क रहेगा, अगर ये वी दोनों एक ही साइड है तो ये क्या होता है एडिशन होता है। लेकिन कंसिडर करो अभी ये 9 डिग्री का है और मैंने क्या किया इसको ऐसे अपोजिट रखा, ये 3 डिग्री यहाँ पे गया और ये वी मार्क ऐसे गया, मतलब वी एक ऐसे है और एक उल्टा है, तो क्या होगा ये सब्सट्रैक्शन की केस हो गई, ये एडिशन की केस हो गई। तो इसका एंगल कितना आएगा, जो कुछ एंगल आएगा वो आएगा 6 डिग्री का एंगल आएगा। मतलब एंगल गेज में आप एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों कर सकते हो। लेकिन स्लिप गेज में क्या होता है, कंसिडर करो ये 50 mm की स्लिप है, इसमें आप क्या कर सकते हो 1 mm की स्लिप क्या कर सकते हो आप ऐड कर सकते हो। लेकिन ये जो 50 है इसमें से आप 1 mm माइनस नहीं कर सकते, मतलब एंगल गेजेस में आप खाली स्लिप गेज में आप खाली एडिशन कर सकते हो, सब्सट्रैक्शन नहीं। ये ऐसे डिफरेंस था, आपको पॉइंट ये जो पैरामीटर्स है ये याद रखने हैं, मतलब यूज़ कहाँ पे होता है, ठीक। उसके बाद यूज़ किसके साथ होता है, बेवल प्रोटेक्टर और साइन बार। फिर डायमेंशंस क्या है, उसके बाद ग्रेड कौन कौन से अवेलेबल है, और सेट मतलब क्या, कितने साइज़ में वो अवेलेबल है, ऐसा है। थैंक यू।